मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसीनगर में बीती रात यात्री बस और डंपर की टक्कर में दो लोगों की मौत के बाद पूरा क्षेत्र दहशत से सहम गया था। बता दें, बीती रात सागर सलवानी स्टेट हाईवे जैसीनगर क्षेत्र के हरणखेड़ा गांव में यात्री बस और डंपर की आमने सामने से भिड़ंत हो गई थी, जिसमें डंपर चालक संतोष नाथ ग्राम झीला निवासी और यात्री राम पटेल ग्राम गेंगुरा जैसीनगर निवासी की मौत हो गई थी। वहीं डेढ़ दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल होना बताए गए थे। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा। हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे और डॉक्टरों को उचित इलाज करने के दिशा निर्देश दिए। बता दें, बीते दिनों ही यहां क्षेत्रवासियों ने भारी वाहनों के गुजरने को लेकर जाम लगाकर विरोध दर्ज किया था। उनका कहना था कि डंपर चालक और बस ड्राइवर सलवानी स्टेट हाईवे पर टोल बचाने के चक्कर में जैसीनगर के रहवासी क्षेत्र में भारी वाहनों को स्पीड से ले जाते हैं, जबकि यहां शासकीय स्कूल और बैंक की शाखा होने की वजह से काफी चहल पहल रहती है। बावजूद इसके प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन धरना देने के बाद क्षेत्रवासियों को प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वह भारी वाहनों पर रोक लगाने के लिए यहां बैरिकेड लगाएंगे, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे बीती रात यह भीषण सड़क हादसा घटित हो गया। अभी मुझे अभी एक घंटे पहले पता लगा कि जैसीनगर के पास हिंदखेड़ा गांव है, वहाँ एक डंपर और बस का एक्सीडेंट हुआ है। बस भोपाल से आ रही थी, एक व्यक्ति के ड्राइवर के मृत होने की खबर है। ठीक है, दो एक सवारी एक सवारी एक व्यक्ति ड्राइवर और एक किसी व्यक्ति की मृत होने की मुझे जानकारी दी गई। बाकी लोग जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है। सारा प्रशासन और हमारे सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। हमारा पहला काम ये है कि जो लोग घायल हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, सुरक्षित अपने घर जा सके। सभी के लिए, घायलों के लिए स्पॉट जहाँ घटना घटी है वहाँ के बाद अस्पताल लाया गया है और बीएमसी अस्पताल में सबका इलाज चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कल बात भी करूँगा, घायलों के लिए और जो मृतकों के लिए जो भी संभव होगा सरकार की तरफ से मदद भी दिलाने का प्रयास करूँगा। घायल कुल 14 लोग आए थे, दो लोगों की अभी मुझे बताया गया डॉक्टर के द्वारा उनकी मृत्यु हो चुकी है, बाकी 12 लोग घायल हैं, एक उसमें थोड़ा गंभीर है, बाकी लोग ठीक स्थिति में हैं और डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, घायलों के लिए मिलेगी, मेरे परिवार के लिए मिलेगी। ये कल करीब 8:15 बजे रात की बात है, 100 नंबर पर इवेंट आया था एक्सीडेंट की। सूचना मिलते ही मैं पूरे बल के साथ मौके पर पहुंचा। बच के यह बस है जो बिलहरा से भोपाल चलती है, भोपाल से लौट के वापस आ रही थी। जेसी नगर से एक डंफर जा रहा था, हिंद का खेड़ा गांव है, वहां पर दोनों के आपस में आमने सामने भिड़त हो गई थी। मौके पर पहुँच कर लोगों की मदद से जो भी घायल थे उनको तुरंत बाहर निकलवा कर एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय सागर इलाज के लिए रवाना किया गया था, जिसमें डंपर जो चालक है उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। बाकी जो बस में सवारी थी गंभीर रूप से घायल थी, इसमें करीब 14 लोग थे जिसमें एक की डेथ हो गई थी और बाद में उपचार के दौरान जो पैसेंजर में था उसकी डेथ हो गई। बाकी गंभीर रूप से चालक घायल है जिसका भी इलाज चल रहा है जिला चिकित्सालय में। फिलहाल इस सड़क पर तेज वाहन रफ्तार का कहर लेकर मौत बनकर रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिन पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में नाकाम साबित होता जरूर दिख रहा है। जैसीनगर से कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईखेड़ा लेधोरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर।